सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। कई लोगों ने इसे असली घटना समझकर शेयर किया। गलत कहाँ है, कौन कहता है कि दहेज नहीं चलता, हर एक जगह चलता है, लेकिन कोई जानता है कोई नहीं जानता है। हमको नहीं मिला तो आप लोग जान गए, अगर मिल जाता तो नहीं जानते, बस यही बात है। तो लड़की वाले कह रहे हैं, इनके पिताजी कह रहे हैं कि हम जो है, जो हमारी व्यवस्था हो चुकी है थोड़ा बहुत, हमने जो अरेंज किया है वो हम दे रहे हैं आपको, बाकी जो है पैसे हम बाद में दे देते हैं। तो आप इस पे, आप नहीं, बाद वाला काम नहीं होगा, जो होगा आज होगा और अभी होगा, और मेरा जो डिमांड है वो पूरा होगा तभी शादी होगा, नहीं तो हम लोग बारात लेकर वापस घर चले जाएंगे। इस वायरल वीडियो के आधार पर कई संगठनों ने इसे बिहार की घटना बताकर खबर पब्लिश की। मीडिया संगठनों ने लिखा कि बिहार के एक गांव में दहेज कम मिलने पर दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। ऐसा दावा करने वाले प्रमुख मीडिया संगठनों में द इंडियन एक्सप्रेस, जी न्यूज, NDTV, DNA इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, न्यूज तक, लोकमत, न्यूज 18 कन्नडा शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया कि क्या आप इस लड़की को बधाई देंगे। शादी के मंडप पर ये लड़की खुद लड़के से दहेज नेगोशिएट कर रही है ताकि वो उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे। रिपोर्ट में लिखा है कि 2022 में भारत की महिलाओं की स्थिति ये है, जबकि जांच करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये वीडियो असल घटना का है ही नहीं। कीवर्ड सर्च करने पर हमें ये वीडियो दिव्या विक्रम नाम के एक फेसबुक पेज से पोस्ट किया गया मिला। इस पोस्ट को ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक 70 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं। हमने गौर किया कि इस पेज से ऐसे कई वीडियोस पोस्ट किए गए हैं जिसमें एक ही तरह का स्टेज दिख रहा है। साथ ही में पेज ने खुद को वीडियो कंटेंट क्रिएटर बताया है। हमने ये पेज चलाने वाले शख्स विक्रम मिश्रा से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि वो और उनकी टीम जय मिथिला नाम से एक चैनल चलाते हैं और हर तरह के वीडियोस बनाते हैं। विक्रम ने कहा कि वीडियो में दिख रहे लोग एक्टर्स हैं और उनका नाम अमित और रानी है। हमें पता चला कि ये वीडियो असल घटना का समझा जा रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहे अमित और रानी ने हमें बताया कि वो कलाकार है और इस तरह के कई वीडियोस में काम कर चुके हैं। ये दोनों पति पत्नी हैं और साथ में काम करते हैं। ऑल्ट न्यूज ने देखा कि दिव्या विक्रम पेज से इन्हीं दोनों के कुछ और वीडियोस भी शेयर किए गए हैं। एक वीडियो में दिख रहा है कि लड़का शराब पीकर शादी करने आया है, जिससे लड़की गुस्सा होकर शादी करने से मना कर रही है। कुल मिलाकर ये एक नाटक था जिसे कई लोगों ने सच मान लिया और कई प्रमुख मीडिया संगठनों ने बिना वेरीफाई किए इसे बिहार में हुई असली घटना का वीडियो बता दिया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हाल में देश में कई दहेज उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं।